फेसबुक लाइव दे सारे दशकों में डेवलप याद पड़ी सब सी गल। सो मेजर अपडेट दोस्तों आज जेड़ी कैनेडियन हाई कमीशन वालों कैनेडियन एम्बेसी वालों आई है। सीआईसी की वैबसाइट के उत्ते जे तुसी जाओ सीआईसी की वैबसाइट के उत्ते जाके वो अपडेट देख सकते हो। वो मेजर अपडेट की है कि अज कैनेडियन इमीग्रेशन ने कैनेडियन गवर्नमेंट ने यह अनाउंस कर दिता कि अज तो जी प्रोसैसिंग हैगी है टैंपरेरी रेजिडेंट वीजाज जिन्हों TRV कहते हैं टैंपरेरी वीजाज की प्रोसैसिंग अज तो स्टार्ट होगी। जो आप TRV की गल करते हैं कि टैंपरेरी रेजिडेंट वीजा की होंगे दैट मीनस वो स्टूडेंट वीजा विजिटर वीजा टैंपरेरी वर्कर कोई भी वीजा जेड़ा कि परमानेंट रेजिडेंसी नहीं दिता तो इट इज़ अंडर द सब क्लास ऑफ टैंपरेरी रेजिडेंट वीजा जिन्होंने TRV कहते हैं। सो वो प्रोसैसिंग अज कैनेडियन इमीग्रेसन ने अनाउंस कर दी। वह लिंक तुसी मैं ये वीडियो कंप्लीट करके यदि हैडिंग दे विच वो लिंक जरूर पाऊंगा ताकि तुसी वैबसाइट के उत्ते CIC की वैबसाइट के उत्ते आप जाके वो लिंक देख सको। CIC की वैबसाइट है बड़ी कॉमन है canada.ca पाओगे कैनेडियन इमीग्रेशन पाओगे गूगल पर भी मिल जूगी बट वो लिंक मैं ये उत्ते प्रोवाइड कर दाँगा। सैकेंड जी मेजर अनाउंसमेंट कैनेडियन इमीग्रेशन ने जी अज की है वो ये है कि कोई भी एप्लीकेशन थोड़िया जगिया लॉकडाउन तो पहला लॉन्च हुई सी बहुत सारे स्टूडेंट्स दैप्लीकेशन ने जड़िया जनवरी फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग लॉन्च हुई उन्होंने उत्ते कोई रिजल्ट नहीं आया हजे तक। सो उन्ह एप्लीकेशन बारे भी इमीग्रेसन ने अज अपडेट दी है। उन्होंने एप्लीकेशन की अपडेट यह है कि तुम एक ईमेल आई डी दी है मैं वो ईमेल आई डी भी कमेंट्स के पा दाँगा हैडिंग पावगा एक ईमेल आई डी दी है कैनेडियन इमीग्रेसन ने कि उस ईमेल आई डी से तुम ईमेल करके मेल करके एम्बेसी दसो कि क्यों थी थानू वीज़ा दिता जाए क्यों प्रोसैस की जाए थोड़ी एप्लीकेशन की तुम जो ट्रैवलर इन्होंने किया कि मैंडेटरी ट्रैवलर है एसेंशियल ट्रैवलर है उदे विच तुसी आने हो। एक स्टूडेंट की जो आप गल कर लिए एक स्टूडेंट जिहदे कोल लैटर ऑफ एक्सैप्टेंस हैगी है एक स्टूडेंट जिहदे कोल सीट जिहदी पक्की है कैनेडा के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के विच वो एसेंशियल ट्रैवलर के अंडर आता है। सो जे तुहाडी फाइल फरवरी की या मार्च की अपलाई हुई हुई है अपने एजेंट अपने कंसल्टेंट को कहो उस ईमेल आई डी के उत्ते मेल करके बड़ी क्लीयर कट इंस्ट्रक्शन दी है CIC ने कि की मैनशन करना है कि उस मेल दे विच या उस लैटर दे विच की मैनशन किया जाए। सो वो चीज़ मैनशन करके अपने कंसल्टेंट को कह के ईमेल पाओ इमीग्रेसन सो दैट तुहाडी फाइल प्रोसैस हो सके। सो वंस अगेन दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम ICCRC कैनेडियन गवर्नमेंट ने जिहड़ी प्रोसैसिंग हैगी है कैनेडा स्टूडेंट वीजाज की वो स्टार्ट कर दिती है। रीसेंटली जो मैं गल करा लास्ट वीक एंड दे विच शायद फ्राइडे या सैटरडे साडिया अपनिया कुछ एप्लीकेशन दे विच इमीग्रेशन ने अपडेटेड लैटर ऑफ एक्सैप्टेंस मंगी है ता जो उन्हों का वीज़ा प्रोसैस हो सके। सो ये अज की खास अपडेट सी मैनू रेगुलरली तुहाडे लोकां दे मैसेजेस या फोन कॉल सीगे कि कदों प्रोसैसिंग शुरू होएगी कदों नहीं। हाँ एट द सेम टाइम VFS हजे तक नहीं खुलिया सो बायोमैट्रिक्स का की बनना है किस तरह होनी है उस सारी चीज़ बारे हजे कोई भी अपडेट नहीं हैगी। बट एट द सेम टाइम जे तुहाडी एक वारी रिफ्यूज हो बायोमैट्रिक्स ऑलरेडी हुई है मेडिकल हैगा सो इदां दे स्टूडेंट्स लई एक मौका है कि वह अपनी फाइल एम्बेसी दे विच लॉज करा सकते क्योंकि अज जो फाइल लॉन्च हो जाएगी तो बायोमैट्रिक की तुम्हें लोड नहीं हैगी तो फाइल्स के उत्ते डिसीजन आने स्टार्ट हो जाएंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक होर क्वेश्चन जोड़ा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा और मैं वह जवाब शायद नहीं दिता डुओलिंगो टैसट बारे रोज़ पूछते हैं कि भाजी डुओलिंगो टैसट कर लिया हूँ कि आइल्स करने की लड़ नहीं हैगी। सो जदों बार बार ये क्वेश्चन आता कि डुओलिंगो टैसट के नाल ही एडमिशन हो जाती है वी नीड टू अंडरसटैंड कि डुओलिंगो एक इंग्लिश का टैसट है जिदे बेसिस दे उत्ते सिर्फ और सिर्फ तुहाडी एडमिशन होनी है। बहुत सारे कॉलेजेस ने ईमेल्स एजेंट्स ने लिखना शुरू करता कि डुओलिंगो दे बेसिस दे उत्ते कैनेडा चल जाओ विदाउट आइल्स कैनेडा चल जाओ। देखो अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरसटैंड कि कोई भी रूल्स कोई भी रेगुलेशनस चेंज नहीं हुए किसी भी तरह की किसी एम्बेसी ने कोई आयल्स की वेवर नहीं देती जी कि लॉकडाउन तो पहला होंगी सी तो हूँ उन्होंने बंद करता कि नहीं जी हूँ आयल्स की लड़ नहीं हैगी।
हर चीज उदां दी उदां ही है, सिर्फ ये है कि आयल्स का पेपर नहीं हो रहा बहुत देर तो एक नवी कंपनी, एक नवी इंग्लिश का टेस्ट लैन वाली ऑर्गेनाइजेशन डुओलिंगो आ गई। वो कहिंदे जी कि तुसी साडा टेस्ट करके ते अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी नु प्रूव कर सकदे हो। इदां दे टेस्ट लैन दे होर बहुत सारे टेस्ट ने, बहुत सारे पेपर्स ने। कैम्ब्रिज इंग्लिश का टेस्ट हैगा, टीसोल हैगा, वंडरलिंक इंग्लिश टेस्ट हैगा, होर बहुत सारे सैकड़ा दे नंबरां दे विच टेस्ट ने। ये सारे टेस्ट दे के तुसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो अपनी प्रूव कर सकते हो, बट वीजा लैन लई एम्बेसी दे विच अप्लाई करन लई तुहानू आइल्स दी लोड रहनी है। बिना आइल्स दे तुहाडा वीजा नहीं जे लगना। किसी भी एम्बेसी ने नहीं किया कि तुसी बिना आइल्स दे अपना वीजा अप्लाई कर दो। सो ये एक मेजर क्वेश्चन है जिहड़ा रोज स्टूडेंट पुछदे कि भाजी मैं डुओलिंगो कर लिया ते अगों दी मैं हुण किद्दां कर सकांगा। सो एक दो क्वेश्चंस ने, मान हरीके ने पुछया कि भाजी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बारे कोई विचार दो। देखो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बारे जिथों तक अज दी डेट है ना, हजे तक सिर्फ विचार ही ने कि मैं जो भी तुहानूं दस रहा कि मेरा मेरा ओपिनियन है या मेरी अजम्पशंस ने कि किद्दां ये शुरू हो सकती है, कदों शुरू हो सकती है। इस महीने दे अंदर अंदर इंडिया तो 70 फ्लाइटां जानी है, जो कि ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ 70 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ 70 ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਜੁਲਾਈ ਮਿਡ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ CIC ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਔਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਫਲਾਈਟਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 17-18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੇਜਰ ਅਪਡੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਆਪ ਜਾਓ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।